बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे हमने आपसे ये बताया था कि फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरीज वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और आज की वीडियो पे हम आप लोगों से ये डिस्कस करने वाले हैं कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों में स्मार्टफोन्स, पार्टिकुलर स्मार्टफोन्स की डिलीवरीज कब स्टार्ट होने वाली है ना। तो गाइस देखो यार, क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगा था तो कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी चालू नहीं थी, सिर्फ एसेंशियल्स की डिलीवरी चालू थी। एंड स्मार्टफोन्स को नॉन एसेंशियल आइटम में गिना जाता है, तो इसलिए स्मार्टफोन्स की डिलीवरीज बंद थी। ऑलमोस्ट पूरे शहर में जहाँ जहाँ लॉकडाउन लगा था, जहाँ जहाँ कोरोना केसेस ज़्यादा थे, वहाँ स्मार्टफोन्स की डिलीवरीज जो थी बंद थी। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। जैसे 1 जून कल से लॉकडाउन खुल गया, बहुत सारी सिटीज़ में लॉकडाउन खुल चुका है, तो बहुत सारी सिटीज़ में क्या है कि डिलीवरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो जब सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके स्मार्टफोन्स की भी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी होंगी, है ना। तो मतलब 1 जून से सारे स्मार्टफोन की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मिलेगा जी अभी है कहाँ, नहीं, उसका रीज़न मेन क्या है? उसका मेन रीज़न है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जब तक अलाउ नहीं करेगी, तब तक आप लोग कोई भी स्मार्टफोन या फिर कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बाई नहीं कर सकते, उसकी डिलीवरीज नहीं होगी। बाई कर भी सकते हो, ये यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता देंगे जिससे आप बाई कर लोगे, लेकिन भाई जब डिलीवरी कंपनी ही ठंडी पड़ी है, तो वहाँ प्रोडक्ट जाके रखवा जाएगा, हो गया, और क्या कर लोगे? और तो बाकी आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर और कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप ऑर्डर कर लोगे और बाकी उसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। बहुत जल्द गवर्नमेंट भी चाहती है, देखो क्या है कि स्मार्टफोन से बहुत सारे मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, वर्क होता है, बिजनेस चलता है। स्मार्टफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो स्मार्टफोन्स की डिलीवरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। गवर्नमेंट को भी पता है कि स्मार्टफोन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, है ना। और स्मार्टफोन्स की जैसे एक्सेसरीज हो गई, बैक कवर हो गया आपका, एंड टेम्पर्ड हो गया, एंड स्मार्टफोन्स का चार्जर हो गया, एंड चार्जर ईयरफोन्स हो गया, है ना, और लैपटॉप हो गया। तो ये सब चीज़ें भले ही नॉन एसेंशियल में आती हैं, फिर भी लॉकडाउन के दौरान ही मिल रही थी। मैं हैरान हुई ये जान के कि भाई लॉकडाउन लगा था, फिर भी ये सारी चीज़ें मिल रही थी ऑनलाइन। आप अभी जाके चेक करो, अगर आपके शहर में स्मार्टफोन्स की डिलीवरीज बंद हैं, आप जाके चेक करो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पे, ये बैक कवर, टेम्पर्ड ईयरफोन, चार्जर्स, ये सब जो एक्सेसरीज हैं, ये आपके उसमें मिल रही होंगी, आप जाके चेक करो। तो भाई जब ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, तो स्मार्टफोन्स को क्यों नहीं दे सकते हो यार आप? तो ये तो बहुत बड़ी मतलब एक मिसगाइडिंग हो रही है कि जब आप ये सब चीज़ें दे रहे हो, इनकी सबकी डिलीवरी कर रहे हो, तो आप स्मार्टफोन की डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी आपको करना चाहिए। तो मतलब स्मार्टफोन्स की डिलीवरी बहुत जल्द चालू होने वाली है, आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन्स की डिलीवरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है ना। ठीक है यार, और बाकी की बात आती है कि आपके शहर में कब आएगी। यार आपके शहर में देखो, किसी भी शहर में फ्लिपकार्ट की डिलीवरी, अमेज़ोन की डिलीवरी तभी स्टार्ट होगी जब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको जब लगे कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, तभी जाके वो मतलब कि स्टार्ट कर देगी डिलीवरीज आपके शहर में। बाकी उसके पहले डिलीवरी स्टार्ट नहीं होने वाली। मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश के रीवा शहर से, यहाँ 1 जून से डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं, केसेस कम आने लगे हैं, तो डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का रूल आया है कि एक ज़िले में अगर 400-500 से केसेस कम आने लगते हैं, तो वहाँ डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ऐसा होगा, तो आपकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया कि कैसे मतलब कब आपके शहर में डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।